नवरात्रि के पांचवें दिन हम देवी के स्कंद माता की रूप की कथा सुनेंगे। स्कंद का अर्थ होता है कुमार कार्तिकीय। प्रभु गणेश के भाई कार्तिक जी? हाँ सुपर, हम इस कथा में देवी पार्वती के उस स्वरूप को देखेंगे जब उन्होंने पूर्णता का आभास किया, जब वो माँ बनी। कीजिए 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 कीजिए, जितने व्रत और पूजा कर सकते हैं कीजिए। व्रत और तप करने से पुत्र तो लौट कर नहीं आएगा, किंतु आपके भीतर का अपराध बहुत जरूर कम हो जाएगा। माँ होकर भी पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई ना आप। आप इतने कड़वे वचन क्यों कहती है बुआ जी? ऐसा है बुआ के भतीजे जी, कि हमने जो कहा अपनी भौजाई को कहा और अपने भाई के सामने कहा, तो आपने बीच में कुछ क्यों कहा? आप होते कौन है, क्या अधिकार बनता है आपका? आपके व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं, पर मनुष्यता तो यही कहती है कि दुख में साथ दिया जाए, ताने नहीं। सेवक तो सेवक, अब स्वामी जी भी ज्ञान देने लगे। आपकी ये मीठी मीठी बातों में ना मेरे भाई भौजाई जरूर फंस सकते हैं, किंतु मैं चतुर हूं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सुपर्ण, ये व्रत का समय है, किसी के भड़काने पर क्रोधित होकर अपने व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, यहाँ सब बिना बाधा और व्यवधान के कथा सुनने आए हैं। यदि आपको कथा सुननी है तो यहाँ ठहरिए, अन्यथा अब जाकर विश्राम करें। देखकर मुझे मातृत्व की भावना क्यों अनुभव हो रही है? मुझे लगा था कि आपको पाने के बाद मेरे मन में कुछ और पाने की कामना जन्म नहीं लेगी, पर आज मुझे आभास हो रहा है कि मेरे हृदय की गहराई में एक और इच्छा छिप कर बैठी है। उसे भी पूरी कर दीजिए महादेव, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तथास्तु।
प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय की लीला भी इस कथा के साथ सुनने को मिलेगी। हाँ मूषक जी, मैं भी आपकी भांति अत्यधिक उत्सुक हूँ भ्राता कार्तिकेय की लीला को सुनने हेतु। किंतु उनके जन्म से सभी इतने प्रसन्न नहीं थे। एक ओर सभी देवताओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था, तो दूसरी ओर उनके जन्म से माँ भी पिताश्री से रुष्ट हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था प्रभु? ये कथा जितनी सुखद है उतनी ही पीड़ादायक भी, विशेषकर माँ के लिए। प्राणी दीर्घ काल से तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त है। जब महादेव और माँ का पुत्र जन्म लेकर उसका वध करेगा तो निसंदेह उच्चतम स्थान प्राप्त करेगा, सभी के लिए वंदनीय हो जाएगा वो। माँ और महादेव दोनों की शक्ति होगी उसमें, सृष्टि के सर्वोत्तम योद्धा से भी दोगुना शक्तिशाली होगा वो। तब तो उसके ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं रहेगा, उसके मन में जो आएगा वही करेगा वो, और किसी में उसे रोकने का सामर्थ्य नहीं होगा। इतनी अधिक शक्ति तो किसी का भी मस्तिष्क फेर कर उसे निरंकुश बना सकती है, और यदि उसने हमारा ही विरोध करना आरंभ कर दिया तो हम उससे युद्ध कैसे कर पाएंगे, उसे पराजय कैसे कर पाएंगे, और तारकासुर के पराजय के बाद जो स्वर्ग लोक हमें मिलने वाला है वो मिलने से पहले फिर से छिन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। यही है जीवन की विडंबना। अनेक बार हम अपनी ही प्रसन्नताओं के मार्ग के सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने वर्तमान की समस्याओं में इस सीमा तक घिरे रहते हैं कि वो उसके परे भविष्य में झांक कर देख ही नहीं पाते। देवराज इंद्र इतना सुरक्षित महसूस कर रहे थे और वो सीधा महादेव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे विनती की, जिसका पूरा होना असंभव था। महादेव, महादेव कृपया दर्शन दीजिए, महादेव दर्शन दीजिए। इंद्र का स्वर, क्षमा कीजिए देवी, मुझे जाना होगा। देवगण, आप यहां? आप सब चिंतित क्यों हैं? प्रभु, आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि माँ पार्वती और आपके विवाह के लिए हम सभी देवताओं ने कितनी लंबी प्रतीक्षा की, आपके पुत्र के जन्म के लिए कामना की है, प्रार्थना की है, क्योंकि क्योंकि इस पूरी सृष्टि में केवल वही है जो तारकासुर का वध कर पाने में सक्षम होगा, केवल वही है जो इस संसार को राक्षसी अत्याचारों से मुक्त कर पाएगा प्रभु। पर क्या देवराज, ये संकोच का ही है। पर महादेव, जो पुत्र आपके और आदि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के मिलन से जन्म लेगा, उसकी शक्ति का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। उसके सामने हम सभी देवता शक्तिहीन हो जाएंगे प्रभु। और महादेव, इतनी अधिक शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर यदि किसी भी कारण से, किसी भी काल में उस बालक ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते समय महत्वाकांक्षा का परिचय दिया तो प्रभु? प्रभु, इतनी असीमित शक्ति यदि उसके स्थान पे किसी व्यक्ति में हुई तो वो स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। और यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो इस संसार की व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी।
इसीलिए महादेव, हम सभी देवता आपसे विनती करने आए हैं कि जो बालक शीघ्र ही जन्म लेने वाला है वो केवल आपका ही पुत्र हो महादेव। केवल आपसे ही उसकी उत्पत्ति हो। हमें ये वरदान दीजिए महादेव, हमारे मन की इच्छा पूरी कीजिए, पूरी कीजिए महादेव। तथास्तु। ये बात तो देवता भी जानते हैं कि एक संतान के जन्म के लिए, उसके पालन पोषण के लिए एक माँ का होना कितना आवश्यक है। तो फिर इंद्रदेव ऐसी विनती कैसे कर पाए बहन जी? और महादेव, उन्होंने उनकी विनती स्वीकार ही क्यों की? तारकासुर के कारण। स्मरण कीजिए, तारकासुर ने क्या वरदान मांगा था? फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ हो। तारकासुर को लगने लगा था कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, पर आदिशक्ति श्री माता की तो लीला ही अनोखी है कि जब वो घट रही होती है तब स्वयं उनके स्वरूप माँ पार्वती भी उसमें फंस जाती है। माँ, फिर देवी पार्वती को पता चला तो क्या हुआ? संतान को जन्म दे और उस मातृत्व को अनुभव करना ये हर स्त्री के लिए परम सुख का माध्यम होता है। और फिर वो तो स्वयं आदिशक्ति श्री माता का स्वरूप है जिन्होंने सब कुछ रचा है। यदि उनसे उनके पुत्र को रचने से रोक लिया गया तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही था। क्या कर रहे हैं आप? पुत्र की उत्पत्ति केवल महादेव से कैसे हो सकती है? संगम और समागम की जिस क्रिया के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है उसे केवल महादेव से संपन्न कराने के प्रयास कैसे कर सकते हैं आप सब? और आपने ये क्या किया महादेव? देवताओं ने अपनी मनोकामना व्यक्त की और आपने बिना सोचे समझे उन्हें इतना बड़ा वरदान दे दिया। आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया महादेव? यदि मैं आपके वरदान को अस्वीकार करती हूं तो अपने पति के दिए हुए वचन का मान न रखने के पाप की भागी बनूंगी, और यदि इन देवताओं की अनुचित मांग को पूरा किया स्वयं संतान के सुख से वंचित रह जाऊंगी। हमारा पुत्र तो हमारे प्रेम का फल होता महादेव, हमारे जीवन का वरदान, हमारे वाटिका का फूल। उसे कब और कैसे जन्म लेना है उसमें व्यवधान डालने वाले ये सब होते कौन है? कर सकते हैं आप ये अनुचित और अन्यायपूर्ण मांग? और आपने तनिक भी नहीं सोचा मेरे बारे में और इतना बड़ा वरदान दे दिया। एक स्त्री को ममता के सुख से वंचित रखने से बड़ा अपराध और कोई नहीं है। क्या दोष था मेरा महादेव
कि मुझे इतना बड़ा दंड मिला। दोष नहीं देवी, कर्तव्य है हमारे। ये सब हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा और हित का विचार करना हमारा ही दायित्व है। आप तो संतुलन के साधक हैं। इन सभी उद्देश्य को एक साथ साधने का और कोई उपाय नहीं था आपके पास महादेव। आप तो भोले भंडारी, किसी का भी कष्ट नहीं देख पाते, अपने विषय में तनिक भी नहीं सोचते, आठों पहर पर उपकार का विचार छाया रहता है आपके इस मन मस्तिष्क में, और आज भी ऐसा ही हुआ। आपके इस भोलेपन का लाभ उठाया इंद्र और इन सभी देवताओं ने। अपने स्वार्थ के लिए आपने जो मुझसे छीना है, उसकी पीड़ा का आभास आपको तभी होगा जब जीवन का वही वरदान आपसे भी छीन लिया जाएगा। वैसी ही पीड़ा आपके हृदय को कराहेगी, तब आप समझेंगे मेरे इस क्रोध का कारण, जैसे मैं आप अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही आप भी कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। संतान उत्पन्न करने के लिए आपको किसी न किसी पृथ्वीवासी पर ही निर्भर रहना होगा, और यही सभी को मेरा श्राप है। माँ ने इतना बड़ा श्राप दे दिया देवताओं को। माँ का तो तत ही ममता है सुपन, कोई साधारण माँ भी क्रोध में आकर अपनी संतान का अहित नहीं करती, और वो तो देवी पार्वती थी। उन्होंने देवताओं को भी जो श्राप दिया था वो भी उनके कल्याण के लिए ही था। वो कैसे भैया जी? हर प्राणी को स्वर्ग में प्रवेश उसके पुण्य के अनुपात में ही मिलता, जब तक पुण्य तब तक ही स्वर्ग का भोग किया जा सकता, किंतु पुण्य फल के समाप्त होते ही स्वर्ग को छोड़कर फिर से धरती पर लौटना पड़ता, किसी योनि में प्रवेश लेकर फिर से पुण्य फल अर्जित करना पड़ता। यही संसार का नियम है, यही विधि का विधान है बहन जी। पर यदि देवी देवता अपनी संतानें उत्पन्न करने में सक्षम हो तो उनकी संतानों को बिना कोई कर्म किए, बिना कोई पुण्य फल अर्जित किए स्वर्ग में रहने का अधिकार मिल जाता है, और इससे संसार का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उस श्राप में भी संसार के लिए वरदान छिपा था माँ भगवती की कृपा से। परंतु एक प्रश्न है, माँ के बिना कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कैसे? जब से महादेव ने देवराज इंद्र को वरदान दिया था तब से देवी पार्वती बहुत दुखी अनुभव कर रही थी। जिसे कभी पाया ही ना हो उसे खोने का दुख मैं कैसे मनाऊं महादेव? दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है पार्वती, भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हो फिर भी पुत्र तो वो आपका ही होगा ना। पर मैं उसे जन्म क्यों नहीं दे सकती प्रभु? क्योंकि केवल तारकासुर का वरदान एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता कि आप मुझे
और स्वयं को सुंदर अनुभव से वंचित रखे। आपसे कुछ छिप नहीं सकता पार्वती, तारकासुर इसका कारण नहीं है। एक ऋषि को दिए हुए वचन को पालन करने की बाध्यता है। ऐसा वचन महादेव? आइए पार्वती, आपकी किसी से भेंट करानी है। परम भक्त ऋषि संकादिक से भेंट करेंगे। मैं आपका संकेत समझती हूँ महेश्वर, और ये भी समझती हूँ कि अपने भक्त के प्रति आपका अथाह प्रेम ही आपको उनकी ओर खींचे लिए जा रहा है। चलिए, क्या हुआ सनक, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया? किससे प्रणाम करवाना चाहते हैं आप महादेव? कौन प्रणाम करे आपको, मेरी ये देह या मेरी आत्मा? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि मेरी देह आपको प्रणाम करे तो ये तो नश्वर है, और यदि आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा आपको प्रणाम करे तो वो तो उसी का अंश है जो आप हैं। जब हम दोनों एक ही हैं तो कौन बड़ा और कौन छोटा? ऐसे में मैं आपको कैसे प्रणाम कर सकता हूँ महादेव? सनत, ये तुम क्या? सत्य कहा सनत, मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ, वरदान मांगा। पर महादेव, मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ जब हम दोनों एक ही हैं? किंतु यदि आप चाहते हैं कि आप मुझे वरदान दे तो मुझे वरदान दीजिए कि भविष्य में मैं केवल आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। तथास्तु। एक वचन का पालन करने की और एक ऋषि की इच्छा का सम्मान रखने की विवशता मैं समझती हूँ प्रभु, और इसीलिए आपके इस वरदान से मैं व्यथित नहीं होंगी। आपके हमारे इस पुत्र से मिलन की प्रतीक्षा करूंगी मैं।
प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी, किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता स्वर्ग और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए आतुर थे। उनके अनुरोध करने पर महादेव फिर से तपस्या में लीन हो गए। महादेव से प्रकट हुई उस ऊर्जा में इतना तेज था, इतना बल था कि सब उसे देखकर चकित हो गए। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी से उस ऊर्जा को ग्रहण करने का आग्रह किया। जब पृथ्वी उसे नहीं सह पाए तो वायुदेव ने प्रयास किया। मेरा इस ऊर्जा को सहन कर पाना संभव है अग्निदेव? आप तो ताप की देवता हैं, आप ही इस ऊर्जा को संभाल सकते हैं। ये लीजिए। ये मेरे सामर्थ्य से भी अधिक ऊर्जावान है। अब तो माँ गंगा ही सहायता कर सकती हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जब तीनों तत्व असफल हो गए तब उन्होंने उस ऊर्जा को जल अर्थात देवी गंगा को सौंपना चाहा। जब सभी तत्व हार गए तभी देवराज इंद्र को अपने फूल का आभास हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव से उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को और कोई नहीं, केवल शक्ति अर्थात देवी पार्वती ही अपने अंदर धारण कर सकती। देवराज इंद्र कातर भाव से देवी पार्वती की ओर देखने लगे, जो दूर से इस सारे घटनाक्रम को देख रही थी। देवराज इंद्र उनसे दृष्टि तक नहीं मिला पा रहे थे, तभी देवी पार्वती गंगा की ओर देखा। जिस सरकंडा घास पर वो ऊर्जा गिरी थी वो भी देवी पार्वती का ही एक सूक्ष्म रूप था।
उस ऊर्जा के गिरते ही वहां 6 कृतिकाएं भी पहुंच गई। सचमुच अतुलनीय है ये ऊर्जा, अतुलनीय होगा ये शिव पुत्र। कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया और जब उसका स्वरूप उन सब के सामने प्रकट हुआ तब उन्होंने उसे आशीर्वाद दी। कृतिकाओं का दुग्ध पान करके तुम बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम कार्तिकेय भी होगा पुत्र। और पुत्र, 6 कृतिकाओं के प्रतीक स्वरूप तुम्हें षड्नार अर्थात 6 हाथों वाला भी कहा जाएगा। अनुकूल समय आने पर तुम अपने 6 हाथों को प्रकट कर पाओगे पुत्र। आप सब मेरी माँ हैं। आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? ना केवल इस पुत्र का जन्म मेरे बिना हुआ है बल्कि इसने तो इन सभी 6 कृतिकाओं को मुझसे पहले ही मां कहकर पुकार लिया है। क्या ये कभी भी मुझे मां के रूप में स्वीकार कर पाएगा? तुमने हमें मां पुकार कर सृष्टि का सबसे अद्भुत संबोधन देकर धन्य कर दिया पुत्र। अब तुम कैलाश जाओ, वहां तुम्हारी मां देवी पार्वती और पिता महादेव शिव शंकर तुम्हारी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुत्र, तुम वही करोगे जो वो कहेंगे, उनके आदेशों का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है।
आपका पुत्र कैलाश आ रहा है देवी, आपसे मिलने आपके पास। वो बालक है, अबोध भी है, जानता तक नहीं कि वो कौन है, उसका जन्म किससे और किस उद्देश्य के लिए हुआ है। भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हुई हो, पर सब कुछ जानने का समझने का सामर्थ्य उसे आपसे मिलेगा। माँ ही पहली गुरु होती हैं देवी, माँ ही बालक का मार्गदर्शन करती है, सीख संस्कार और क्षमता प्रदान करती है, माँ ही भविष्य का आधार रखती है। और यह अधिकार केवल आपका है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। आप सत्य कह रहे हैं महादेव, मेरा पुत्र मेरे पास आ रहा है। मेरे पुत्र के आने की मुझे तैयारियां करनी होगी प्रभु। नंदी नंदी श्रृंगी, मेरा पुत्र आ रहा है, मेरे पुत्र के आने की तैयारियां करनी होगी। ऐसा वातावरण करना होगा कि वो जिस ओर दृष्टि करे उसे बस मेरी ही ममता दिखाई दे। जाओ उसके स्वागत की तैयारी करो, जाओ। एक और देवी पार्वती अपने पुत्र के आने की सूचना सुनकर प्रसन्न थी और दूसरी ओर तारकासुर के हृदय में क्रोध की ज्वालामुखी धधक उठा था। यह सत्य कैसे हो सकता है? स्त्री के योगदान के बिना संतान की उत्पत्ति कैसे संभव है? क्षमा सुरराज, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, बस इतना जानता कि शिव स्वयं हैं, माता पिता के बिना ही वो कुछ भी कर सकते हैं। और तो मैंने ये भी सुना है कि पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, आदिशक्ति का स्वरूप है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती। विरोधी की प्रशंसा कर रहा है तुरपुत्री। इसके प्राण लेने से क्या होगा असुरराज? प्राण तो उसके छीनने होंगे जिसने आपकी मृत्यु बनकर जन्म लेने का दुस्साहस किया है। परंतु हम उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? उसमें शिव का अंश है। नहीं असुरराज, नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना स्थान लूंगा। इस परिस्थिति में यही उत्तम होगा कि स्वर्ग लोक देवताओं को लौटा दें, हमें समय मिल जाए और भविष्य में हमें एक और वरदान। जिस तारकासुर को इंद्र अग्नि वायु वरुण और देवताओं की पूरी सेना मिलकर भी पराजित नहीं कर पाई, उसे ये 10 वर्ष का बालक पराजित करेगा। शिव और पार्वती से मिलने से पहले ही मैं उसे कीट की तरह मसल कर रख दूंगा। उसके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा था और वो मूर्ख तितलियां उड़ा रहा था। वो साधारण तितलियां नहीं थी, वो 5 मायावी असुर थे जिन्हें वरदान मिला था। यदि वो किसी को घेर ले तो वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जिसके भीतर फंस जाने से कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो क्षेत्र संकुचित होते जाता है जिसके कारण उसके भीतर फंसा हुआ व्यक्ति
घुट घुट कर अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाता है। फिर क्या हुआ माँ? कैसे होंगे पिता महादेव? और माँ पार्वती, कैसा होगा कैलाश? अवश्य ही संसार का सबसे सुंदर स्थान होगा वो। अरे इतनी सुंदर देखनी। अरे इधर आओ मेरे पास, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा मैं। अरे आओ ना। अभी तो एक ही थी, इतनी शीघ्र अपनी सखियों को भी बुला लाए। कौन हो तुम सब और मुझे ऐसे क्यों घेर लिया है? हम बच्चा हैं और तुम हो हमारे आबाद। माँ, पुत्र। पुत्र, मैं अभी आई पुत्र, इसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और उन सभी असुरों को नष्ट कर दूंगी। अभी आई पुत्र। रुक जाइए देवी, मत जाइए। प्रभु, हमारा पुत्र संकट में, क्रूर राक्षसों से घिर गया है वो, और आप चाहते हैं कि मैं उसकी रक्षा ना करूं? ऐसा आपदा के समय उसे कुछ हो गया तो? कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनना है देवी, यही उसकी नियति है। सभी उसकी आयु को देखकर संशय में, सबके लिए विश्वास करना कठिन हो रहा है कि इतना छोटा सा बालक इतने महत्वपूर्ण पद को कैसे निभाएगा, कैसे उसके योग्य बनेगा। इसे आप आपदा समझ रही हैं, वो अवसर है हमारे पुत्र के लिए, स्वयं को सिद्ध करने का अवसर, अपनी श्रमता, व्यक्तित्व की वीरता और स्वभाव की दृढ़ता का साक्ष्य देने का अवसर। हे श्री माता, इस बालक को शक्ति दीजिए। अब शीघ्र इस बालक का अंत करके महाराज तारकासुर की अमरता पूरा सुनिश्चित कर देंगे हम। देवताओं का सम्मान और अपना आत्मविश्वास पाने का अवसर, और ये सब उसे तभी मिलेगा जब वो उसे स्वयं अर्जित करेगा, किसी की सहायता से नहीं, स्वयं आत्मबल से। हाँ
पांच असुरों की पकड़ से कोई मानव तो क्या, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यहाँ तक कि कोई देवता भी नहीं बच पाया है। महादेव ने कितनी सरलता से कह दिया कि हमारे पुत्र को अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है, किंतु ये छोटा सा बालक इन शक्तिशाली मायावी असुरों से कैसे लड़ेगा? अपने मन के भीतर झांक के देखिए, आपका मन अपने पुत्र से जुड़ा है और वही उसका शस्त्र बनेगा, वही उसे भय से विमुख करके विजयी बनाएगा। कैसी रहस्यमय माया है ये, यहां से बाहर कैसे निकलूं मैं? मायावी असुरों ने कार्तिकेय को कंदरा बन के घेर लिया है। अपनी मायावी शक्तियों से उन असुरों ने भ्राता कार्तिकेय को एक कंदरा में बंद कर दिया प्रभु। हाँ मूषक जी, ये पंचासुर सदा ऐसा ही करते थे, अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को कंदरा में परिवर्तित करके किसी भी गंधर्व या देवता को उसके भीतर बंदी बनाकर कुचल देते थे और उसका भोग कर लेते थे। बालक, जिस किसी को भी स्मरण करना है कर ले, क्योंकि अब तू इस कंदरा से जीवित नहीं लौट सकता। बड़े बड़े देवता तो हमारी पकड़ में आने के बाद अपने प्राण बचा नहीं पाते, तू क्या बचाएगा बालक? बस कुछ ही क्षणों में तुझे घुटन का आभास होने लगेगा, तेरे पूरे तन से स्वेत बहेगा, हाथ पांव शिथिल पड़ जाएंगे, पलके भारी पड़ जाएंगी, हृदय की गति धीमी पड़ जाएगी, और तू ऐसे गिरेगा ना बालक, ऐसे गिरेगा कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इन शक्तिशाली मायावी असुरों की माया से अपना बचाव कैसे करेगा पुत्र कार्तिकेय? देवराज, अब तो बहुत समय हो चुका है, इस कंदरा रूपी क्षेत्र में न तो अब तक कोई ध्वनि सुनाई दी और ना ही यहाँ पर कोई उथल पुथल हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं देवराज कि कार्तिकेय को कुछ हो गया? देवराज वो तो मात्र 10 वर्ष का है। जिस क्षेत्र में फंसकर बड़े बड़े योद्धा अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाते हैं, वहां ये नन्ना अभूत सा बालक अपनी प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगा? कितने वर्षों तक इस बालक की प्रतीक्षा की थी, हमारी सारी आशाओं का केंद्र बिंदु था कि ये एक दिन तारकासुर को पराजित अवश्य करेगा, पर ये क्या, ये तो उसके भेजे हुए राक्षसों में फंस कर रह गया है। महादेव, महादेव, अब क्या होगा महादेव? यही अवसर है पुत्र, तुम्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का। प्रयास कर पुत्र, बाहुबल से नहीं तो बुद्धि बल से हर संकट से बाहर निकलने की एक युक्ति अवश्य होती है, हमें बस उसे ढूंढना होता है। प्रयास कर, प्रयास करो पुत्र, प्रयास करो पुत्र।
अब इन पाछू को पाठ पढ़ाता हूँ। बालक समझकर भयभीत कर रहे हो तुम चारों। मूर्ख, बालक ही तो है तू, इसमें इतना समझने की आवश्यकता ही क्या है? अरे तूने गणना तो सही की ही नहीं और चला आया असुरराज तारकासुर के योद्धाओं का सामना करने। ध्यान से देख बालक, ये चार नहीं पांच हैं, पांच। पर मुझे तो तुम चार ही दिखाई दे रहे हो। अच्छा, अवश्य ही तुम में से कोई पतला दुबला अस्थियों का ढांचा होगा, तभी मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। उद्दंड बालक, तू किसे अस्थियों का ढांचा बोल रहा है? अब दिखे हम पांच। एक, दो, तीन, चार। और पांचवा मैं। कार्तिकेय सुरक्षित है देवराज। अब आपको विश्वास हुआ देवी कि आपका पुत्र कितना सक्षम है और सामर्थ्यवान भी? अब तो आप ठीक है पार्वती? अभी भी संकट टली नहीं है प्रभु। देखिए, अभी भी चार चार असुरों से घिरा हुआ है हमारा पुत्र। दस वर्ष का बालक और इतनी शक्ति। पुत्र कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। देवराज, ये क्या? ये असुर तो महाविशाल पर्वत में बदल गया है। इसके सामने कार्तिकेय इतना नन्हा सा लग रहा है, इसका सामना कैसे कर पाएगा ये? इतने बड़े पर्वत को पार कैसे करेगा मेरा पुत्र? बल बुद्धि का प्रदर्शन करना एक बात होती है और मायावी शक्ति से युद्ध करने के लिए बिल्कुल अलग कौशल की आवश्यकता होती है।
कोई भी पर्वत इतना बड़ा नहीं हो सकता कि एक पुत्र को उसके माता पिता से मिलने से रोक पाए। यदि तुमने मेरा मार्ग अपने आप नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर। असंभव को भी संभव कर दिखाया इसने, केवल शिव पुत्र ही कर सकता था ऐसा। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण हम दोनों असुर बन के जन्मे थे, परंतु अब हम अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, आपने हमारी आसुरी देह का अंत किया, अब हमारे आसुरी जीवन का भी अंत करें। हम अब सेवा और भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, कृपया हमें स्वीकारें। अब से तुम मेरे वाहन के रूप में जाने जाओगे और अरुण शिखा तुम अब से अनंत काल तक मेरी ध्वजा पर आसीन रहोगे। अच्छा, तो इस प्रकार मोर प्रभु कार्तिकेय के वाहन बने। हाँ मूषक जी, जैसे आप मेरे वाहन बने। जानते हैं, भ्राता कार्तिकेय ने अरुण शिखा को एक और दायित्व दिया कि वो सूर्यदेव के उदित होने के पूर्व बांग लगाकर सभी को जगाए और अपना नित्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे। कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। बस इसी कारण कार्तिकेय को नया नाम मिला, मुरुगन।
देवराज इंद्र और सभी देवताओं के सामने उन्होंने अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर दिया था। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि कार्तिकेय ही वो अतुलनीय योद्धा हैं जो तारकासुर का संहार करेंगे। सभी उन्हें सृष्टि के रक्षक के रूप में देख रहे थे। शिवपुत्र कार्तिकेय के जय जयकार के नारे वायुमंडल में गूंज रहे थे, किंतु तब कोई ऐसा भी था जिसके मन में प्रसन्नता नहीं आशंका छाई हुई। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 सब शिव पुत्र का ही उल्लेख कर रहे, इसमें मेरा कोई अंश आधार है ही नहीं। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 ये देवी पार्वती कहाँ चली गई? मैं अब समझा प्रभु, आप माता पार्वती की किस पीड़ा के विषय में कह रहे थे? उस पीड़ा के विषय में सोचकर ही मेरा मन उदास हो जाता है। तो माँ को कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी। माँ को ऐसा पुत्र चाहिए था जो उनके साथ रहे, जिस पर वो अपनी ममता न्यौछावर कर सके। परंतु इसके विपरीत भ्राता कार्तिकेय को मात्र शिव पुत्र कहकर ही संबोधित किया गया। ये क्या हो रहा है? मुझे इतना विचित्र अनुभव क्यों कर रही हूँ मैं? मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, मुझे तो गर्व अनुभव होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए उसकी सफलता देखकर। पर गर्व और प्रसन्नता के साथ साथ मुझे दुख क्यों अनुभव हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बालक केवल शिव पुत्र ही बनकर रह जाएगा? यदि सच में ऐसा हुआ तो यदि इसे मुझसे कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ तो केवल शिव पुत्र। प्रणाम पिताजी। कीर्तिमान भावपुत्र, लगता है इसे केवल अपने पिता का बोध है, इसे अपनी माता की अनुपस्थिति का आभास ही नहीं। क्षमा कीजिए पिताजी, पर मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, अवश्य। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 शिव पुत्र कार्तिकेय की मन तो करता है कि तुझे गले लगाकर अपनी सारी ममता की वर्षा तुझ पर कर दूं, किंतु क्या मेरा वो अधिकार तुझ पर है? माँ, माँ, माँ,
क्या हुआ माँ? आप मुझसे क्रोधित हैं? बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने कल्पना की थी। कल्पना? हाँ माँ, बिना जाने समझे भी एक आभास था मुझे। जब से मैंने जन्म लिया है एक विशेष सुगंध मेरे भीतर बसी है। पता नहीं क्यों पर मुझे सदैव से पता था कि ये मेरी माँ की ही सुगंध है। आप तो जानती है कृतिकाओं ने मुझे गोद में उठाया था, दुग्धपान कराया था, माओ के समान मेरा पोषण भी किया था। पर उन सब में वो सुगंध नहीं थी जो आप में है। आपको हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे इस हृदय में मेरे लिए जो स्नेह है उसकी कल्पना संसार की और किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। आपका आंचल ही मेरा घर है माँ। पुत्र, ऐसे तो मैं सारे जगत की जननी हूं, पर आज तूने मुझे सच में मां बना दिया पुत्र, सच में। देवी पार्वती ने जब कार्तिकेय को पहली बार गले लगाया तो इस पूरे संसार को स्कंद माता स्वरूप की पहली छवि दिखाई दी। तब सबको आभास हुआ कि माँ के बिना पुत्र की रचना तो क्या, कल्पना करना भी असंभव है। यदि कार्तिकेय में शिव का अंश था तो उसे धारण करने वाली सरकंडा घास भी देवी पार्वती का स्वरूप था। और ये बात वो छोटा सा बालक भी जानता था, और वो छोटा सा बालक उस सुगंध को अच्छे से पहचानता था। यहां एक ओर कार्तिकेय के आने के कारण पूरे कैलाश में प्रसन्नता छाई थी, तो वहां दूसरी ओर तारकासुर के नगरी में उथल पुथल मची हुई थी। बिदर मारे तारक्ष, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वीर पुरुषों की तरह लड़ो। ऐसी रक्षा करोगे मेरे साम्राज्य की? ऐसे संघार करोगे अपने शत्रुओं का? स्वामी, स्वामी, ये आपके पुत्र हैं, शत्रु नहीं। तनिक संभाल के। गृह स्वामिनी हो तुम, वही तक सीमित हो। युद्ध का प्रशिक्षण कैसे देना है ये बात सिखाओ मुझे। अब हटा यहां से। स्वामी, मां आप करछी और चूल्हे के भाव समझने तक ही सीमित रहिए, ये तलवारों की भाषा हम पुरुषों पर ही छोड़ दीजिए। का लाड प्रेम करके हमें कायर बनाने का प्रयास मत करो मां, यहां से जाओ। महाराज, महाराज, एक अशुभ समाचार है, पंचा मारे गए और वो बालक सुरक्षित कैलाश पहुंच गया। स्वामी, स्वामी, ये अनिष्टता का संकेत है। स्वामी अभी भी समय है,
आप शांति वीरता का संदेश भेज दीजिए। यदि शिव पुत्र ने आक्रमण कर दिया तो सब नष्ट हो जाएगा स्वामी। समाचार के साथ साथ तुम्हारी वाणी भी अशुभ है। इससे पहले कि मेरा कोई अनिष्ट हो, मैं उस बालक को ही नष्ट कर दूंगा। ताराज, जाओ और पता लगाओ देवता कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। जाओ। हे माँ, स्वामी मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज रहे हैं, इसकी रक्षा करना माँ। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 ये स्थान उचित है, यहाँ से अच्छी दृष्टि रख पाऊंगा मैं। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। संतान का पहला नाता उसकी माँ होती है, वही पिता से और सारे संसार से उसकी पहचान करवाती है। इसलिए आप सबसे विनती है, कृपया मुझे गौरी शंकर सूत कार्तिकेय कहकर पुकारिए। यदि आप मेरे पिता से भी पहले मेरी माँ का नाम लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अनेक शताब्दियों से हम आपके जन्म के लिए व्याकुल थे। देवताओं के सेनापति का पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार, सप्तऋषि स्वयं आपको पद ग्रहण कराएंगे। आओ। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। मुझे शीघ्र ही पिताजी को ये सूचित करना होगा कि सभी देवता शिव पुत्र की प्रशंसा तो कर रहे हैं किंतु ये इस योग्य लग तो नहीं रहा। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। यहाँ विराजिए कुमार। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है धर्म रक्षक, असुर संहारक गौरी शंकर सुत, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। मैं आप सभी देवताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने सेनापति को अपने अपने अस्त्र भेंट कीजिए। मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए सेनापति। अब आप जब भी स्मरण करेंगे तो मेरा ये विशेष अस्त्र आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगा। सेनापति,
ये वरुणास्त्र स्वीकार करें। सेनापति जी, मेरा ये अग्नि अस्त्र स्वीकार कीजिए। सेनापति, अपने पिता की ये भेंट स्वीकार कीजिए। मेरे शक्ति के प्रतीक के रूप में ये शूल सदैव तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। कीर्तिमान भव, विजयी भव। क्या हुआ? क्या सूचना मिलने के बाद तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया? तब तो कार्तिकेय अवश्य उसे मार दिए होंगे, है ना? इतनी शीघ्र नहीं। देवता तो युद्ध करने के लिए आतुर थे, पर देवी पार्वती ने उन सबको रोक लिया। अब हमें आपका साथ प्राप्त हो गया है तो हमारा विश्वास और भी बढ़ गया है। तारकासुर का अंत अवश्य होगा। अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सेनापति। आप शीघ्र ही आक्रमण का आदेश दें। नहीं, अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सेनापति। आप शीघ्र ही आक्रमण का आदेश दें। नहीं, मां, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं युद्ध जीत पाऊंगा? तुम में क्षमता है पुत्र, पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए केवल क्षमता पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ साथ अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने की योग्यता भी आवश्यक होती है। जब तक तेरी शिक्षा समाप्त नहीं होती, तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। पर मां, शिक्षा दीक्षा में तो समय लग जाएगा और तब तक तारकासुर का आतंक पूरे संसार में इसी तरह व्याप्त होता रहेगा। अब तक तो उसे ये सूचना भी मिल गई होगी कि आपके और महादेव के पुत्र का जन्म हो चुका है, और ये सुनकर वो और भी अधिक व्यग्र हो गया होगा। देवराज इंद्र ठीक कह रहे हैं देवी, अनेक वर्षों से ये संसार उसके अन्याय की अग्नि में जल रहा है।
और समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। 11 दिन, केवल 11 दिन दे दीजिए मुझे अपने पुत्र के साथ, उसके बाद आप आइएगा और अपना सेनापति ले जाइएगा। परंतु स्मरण रहे, 11 दिनों तक हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। ऐसा ही होगा देवी। हाँ? मैंने तो सोचा था इतने परिश्रम के पश्चात माँ मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी, किंतु ये क्या, केवल 2 फल। अब सूर्य नमस्कार आरंभ करूं। हाथ सीधा होना चाहिए, दृष्टि सतर्क, पांव दृढ़ता के साथ जमीन पर खड़े होने चाहिए, पर तीव्र गति से संचालन के लिए सदैव तैयार। नजर सामने कार्तिकेय, अब लिखो ओम। वेदों का पठन पाठन का माध्यम होता है श्रुति और वाचन, अर्थात सुनना और उच्चारण करना। सबसे पहले यहीं से आरंभ करेंगे। कार्तिकेय, संसार में कुछ भी इतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है। इस साधारण से खेल में भी तुम्हें योजना बनानी होगी। अपने प्रतिद्वंद्वी को मानसिक चक्रव्यूह में उलझाना होगा। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारी अगली चाल ये है, परंतु उसके अनुमान के बिल्कुल विपरीत पहले से और भी अधिक प्रभावी वार करना होगा। आपने ये गलत किया प्रभु, कार्तिकेय अभी केवल एक पत्थर है। इसे परिश्रम और ज्ञान की अग्नि में तप कर रत्न बनाना होगा हमें, इस तरह इसकी सहायता करके नहीं। आप सही कह रही हैं प्रिय,
मुझे क्षमा कीजिए, मैं पुत्र मोह में ये भूल कर बैठा। जानती हूं पुत्र, बहुत कड़ा श्रम करवा रही हूं तुमसे, पर विवश हो, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत दृढ़ नींव की आवश्यकता है। कुमार का प्रशिक्षण तो दिन पर दिन और भी अधिक कठिन होता जा रहा है। इसका परिणाम भी दिखाई देने लगा है देवराज। अब तुम्हारी शिक्षा का दूसरा चरण प्रारंभ होगा पुत्र। अब तुम्हें अपने पिता से शिक्षा लेनी होगी। तुम्हारी मां से तुम्हें व्यवहारिक और संसारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है पुत्र, अब मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा। अद्भुत पिताजी, अद्भुत है ये भावना। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आप दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला। व्यवहारिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मिला है मुझे आप दोनों से। पर मुझे लगता है कि बिना गुरु के मेरी शिक्षा कहीं अधूरी ना रह जाए। देवी, हमारे पुत्र के लिए ऋषि अगस्त्य ही सर्वोचित गुरु होंगे। आप निश्चिंत रहिए, अब आपके पुत्र कार्तिकेय का दायित्व मेरा है। कलारीपयट्ट, मल्लखंभ और अन्य युद्ध कलाओं में प्रवीणता आवश्यक है, किंतु इन शारीरिक तकनीकों के साथ साथ तुम्हें युद्ध नीति भी सीखना आवश्यक है। जी गुरुदेव। यदि ये तारकासुर का दुर्ग है तो सोच कर बताओ पुत्र, कैसे भेदोगे इसे, कैसे पराजित करोगे तारकासुर को? शत्रु के पराजय का रहस्य उसके व्यवहार में छुपा होता है गुरुदेव। हर प्रतिद्वंदी की कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। मैं उसी दुर्बलता को ढूंढकर सटीक वार करूंगा।
ये एकमात्र मार्ग है दुर्ग के भीतर से बाहर शस्त्र पहुंचाने का। यदि इसे ध्वस्त कर दिया तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई पुत्र। अब आप हमारे सेनापति हैं तो हमें किसी का भी भय नहीं। भय तो उस तारकासुर को होगा कुमार, अपनी मृत्यु की संभावना से ही कांप रहा होगा। उसका मनोबल इस समय बहुत ही कम होगा और हम देवता बड़ी सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देवताओं में नई ऊर्जा का संचार हो गया होगा। परम उनसे युद्ध करने में, उन पर आघात करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यदि उस बालक पर आक्रमण करेंगे हम, यदि उस बालक का वध हो गया तो फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं बचेगा। और वैसे भी उस बालक के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। आपके पास युद्ध का अनुभव नहीं है कुमार, इसलिए आप पीछे रहेंगे, आगे हम जाएंगे और उन असुरों को आप तक पहुंचने से रोकेंगे। वो निश्चित ही हमें रोकने में अपना सारा बल लगा देंगे, पर हमें उन्हें रोकना नहीं है, अपने निकट और निकट आने देना है उन्हें, ताकि वो सब स्वयं मेरे माया जाल में फंस जाए। एक बार सारे देवता अलग हो गए तो फिर वो बालक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। फिर देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे कार्तिकेय को असुरों का सामना नहीं होने देंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना माँ। वर्षों तक देवता कार्तिकेय जी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि तारकासुर को मारा जा सके, और अब वही उन्हें युद्ध करने से रोकना चाहते थे। यही तो माया की शक्ति है सुपर, जिसकी जननी स्वयं श्री माता ही। प्राणी कब माया जाल में फंस जाता है उसे पता ही नहीं चलता। माई अच्छे से जानती थी कि देवताओं ने उनके पुत्र को सेनापति का जो पद दिया है वो एक औपचारिकता से अधिक और कुछ भी नहीं। देवताओं को यह विश्वास नहीं था कि कार्तिकेय उन्हें युद्ध जिता सकते, इसलिए उचित अवसर आने पर कार्तिकेय के लिए यह आवश्यक था वह उनका विश्वास अर्जित कर सके अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से। सचमुच भैया जी, मां जितनी अद्भुत है उतना ही रहस्यमय है इनका कार्य करने का ढंग। जय मां भगवती। जय मां। जय मां भगवती। एक और देवता कार्तिकेय को बालक समझकर उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर तारकासुर की पत्नी थी कार्तिकेय की शक्ति का आभास होने लगा था। मां, आज मेरे पति के साथ मेरे पुत्र भी इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं।
कृपया मेरे परिवार की रक्षा। मां, आपके मुख का तेज, ये तो अशुभ संकेत है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? मां, इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? स्वामी, शिव पुत्र के साथ युद्ध करने के अपने इस निर्णय पे पुनः विचार कीजिए। स्वामी, मां के मुख से तेज का अचानक चले जाना, पूजा से पहले शस्त्रों का भूमि पर गिर जाना, ये सब अशुभ का संकेत है। स्वामी, अशुभ नहीं, मूर्खता है। तुम्हारा घबरा जाना, हड़बड़ा जाना तुम्हारे स्वभाव के अवगुण है और कुछ नहीं है। आज बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवताओं के स्थान पर आज मेरी पूजा करते, ये सब मैंने अपनी वीरता से प्राप्त किया है। और तुम चाहती हो कि तुम्हारी हड़बड़ाहट को अशुभ का संकेत समझकर तिनके के समान उस बालक से भयभीत होकर ये सम्मान, ये राजपाट, ये ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दूं? कभी नहीं। उस बालक से हार मानना तो दूर, उससे युद्ध करना भी मेरे लिए व्यर्थ। मेरे सामने वो एक कांटे से अधिक और कुछ नहीं, और उस कांटे का सामना करने के लिए तो मेरा छोटा पुत्र तराक्ष ही पर्याप्त है। अवश्य पिताजी, उस कांटे को तो एक चुटकी में तोड़ के फेंक दूंगा मैं। इंद्र के स्वार्थ का प्रयोग उसी के विरुद्ध करना पुत्र, अति के आत्मविश्वास के कारण उस युद्ध में उस बालक को अकेला ही छोड़ देगा। उस अवसर का लाभ उठाना, क्योंकि एक बार वो बालक मारा गया तो देवताओं का सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा। मैं समझ गया पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। एक और तारकासुर का छोटा पुत्र अपने पिता के आज्ञा से कार्तिकेय का अंत करने निकल पड़ा था, तो दूसरी ओर कार्तिकेय इस युद्ध को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मान पूर्ण वीरता से असुरों का सामना करने प्रस्तुत था। अब आजा तारकासुर, तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा है। आजा इंद्र, तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है। शिव पुत्र तो क्या, स्वयं शिव भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। दुर्ग का द्वार खुल रहा है, सावधान।
हमें उनसे पहले अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीति कहती है यदि युद्ध से पहले संधि की तनिक भी संभावना हो तो उसे एक अवसर अवश्य देना चाहिए। अच्छा ही हुआ कि हमने कुमार को पीछे रखा है। कुमार बालक है, असुरों के साथ युद्ध का अनुभव नहीं है उन्हें। कुमार को असुरों की दुष्टता का आभास नहीं है, संधि के बारे में तो सोच भी नहीं सकते वो। कोई रुचि नहीं है। आपने सही सुना, हम असुर मानते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर्ग चाहते ना देवराज, हम संधि के लिए तैयार हैं। दे देंगे आपको आपका स्वर्ग और देवताओं सभी असुरों की ओर से मैं ये वचन भी देता हूं कि भविष्य में हम सबको शांति से जीने देंगे। बस एक शर्त है हमारी। कार्तिकी को हमें सौंप दीजिए। तार का सुर तो कुछ अधिक ही चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहा है। देवताओं की सेना अपने सेनापति को शत्रु के हाथ में सौंप देगी, इसकी कल्पना करना मूर्खता है। या फिर कुशल युद्ध नीति, कहीं देवराज इंद्र स्वर्ग के लोभ में हमारे पुत्र को। स्वर्ग के लिए तुम्हें कुमार को सौंपते हैं? प्रस्ताव बुरा तो नहीं है। यदि असुरों की कुटिल दृष्टि से देखा जाए तो कितनी आसानी से तुम भूल गए कि कुमार हमारे सेनापति हैं, देव सेना का गौरव है। तुम असुरों से तो ऐसी ही मूर्खता की आशा थी। अब इस अपमान का उत्तर मेरा यह अस्त्र देगा। रुकिए, इतने क्रोधित मत होइए देवराज। असुरों का प्रस्ताव इतना भी बुरा नहीं है कि विचार किए बिना ही ठुकरा दिया जाए। जब तारकासुर स्वयं अपने काल को अपने पास बुला रहा है तो मैं क्यों ना चले ही जाऊं।
सीधे उसका सामना करूंगा तो निर्दोषों का रक्त बहाए बिना ही इस युद्ध का अंत कर पाऊंगा। क्या चल रहा है कार्तिकेय के मस्तिष्क में? ये आप क्या कह रहे हैं कुमार? हम यहां समर्पण करने नहीं, युद्ध करने आए हैं। और वैसे भी हम आपको इतने संकट के मुख में नहीं भेज सकते। आप तारकासुर का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे कुमार। तुमने ऐसा प्रस्ताव देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ना तो तुम संधि के योग्य हो और ना ही क्षमा के। देवताओं का कोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। आक्रमण! आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए कुमार, सेना की एक टुकड़ी सेनापति की रक्षा करेगी, बाकी सब मेरे पीछे आए। देवताओं को लगता है कि हम इनसे भयभीत हैं, किंतु हमारी योजना कुछ और ही है। देवताओं, दुर्ग द्वार को भेदने में हम सफल रहे, अब विजय निश्चित है। महल की ओर बढ़ो। ये क्या हो रहा है देवराज? छली असुरों ने हमें अपने माया जाल में फंसा लिया है। और उधर रणभूमि में कार्तिकेय बस कुछ ही सैनिकों के साथ हैं। प्रभु अब क्या होगा? प्रभु अब क्या होगा? ये कैसे संभव है? आश्चर्य हो रहा है, आंखों के सामने इतना विशाल दुर्ग लुप्त हो गया। वास्तविकता में तो देव सेनापति यहाँ पे दुर्ग था ही नहीं, यहाँ पे तो हमारा माया जाल था। ये मेरा माया जाल था जिसमें तुम्हारा देव राजा वो अभिमानी इंद्र सरलता से फंस गया और हमारी योजना सफल हुई।
अपने आप को समर्पण कर दो कार्तिकेय, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तारकासुर ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया, सारी देवताओं की सेना उसके जाल में फंस चुकी है। महादेव, इतने शक्तिशाली असुर के विरुद्ध मेरा पुत्र अकेला रह गया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये आप क्या कर रही हैं देवी? वही जो एक माँ को करना चाहिए, अपने पुत्र की रक्षा। माँ का कार्य केवल रक्षा करना नहीं होता देवी, आत्मरक्षा सिखाना भी उनका दायित्व होता है। आप जानती हैं, जैसे किसी पौधे को आवश्यकता से अधिक छाव मिल जाए तो वो भी कुमला जाता है, ठीक उसी प्रकार पौधे के उचित विकास के लिए धूप भी उतनी आवश्यक होती है जितनी छाव। देवी, अपने पुत्र और अपनी शिक्षा पे विश्वास रखिए। वाह पिताजी, क्या योजना बनाई है आपने! सारे देवता अभी तक हमारे माया जाल में फंसे हुए हैं, और उधर वो शिवपुत्र ताराक्ष के सामने अकेला रह गया। विजय केवल शक्ति से नहीं मिलती है पुत्र, योजना बनाकर अपनी शक्ति के उचित प्रयोग से मिलती है, जैसे अब हमें मिलेगी इस शिवपुत्र पर विजय। स्वामी का इतना अधिक अहंकार मेरे मन में भय क्यों उत्पन्न कर रहा है? क्या हुआ सेनापति कार्तिकेय? अपने रक्षक देवताओं को बंदी देखकर मन घबरा रहा है? चिंता मत करो, युद्ध में किसी निर्दोष का रक्त बहे उसके पक्ष में मैं भी नहीं हूं। इसलिए यदि मुझसे भय ना लग रहा तो आओ हम दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और अपने बाहुबल से इस युद्ध का परिणाम निश्चित कर ले। माता इतनी चिंतित क्यों है? सेना का कार्य अपनी सेनापति की रक्षा करना नहीं होता, विपक्षी सेना से युद्ध करना होता है, और सेनापति का कार्य उस युद्ध का नेतृत्व करना होता है। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है असुर, जो शस्त्र उचित लगे चुन लो। Thank you.
ये शिवपुत्र तो भयभीत है। आक्रमण करने के स्थान पर ताराक्ष के प्रहारों से बचने का प्रयास कर रहा है। ताराक्ष के सभी प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। हमारी योजना सफल हो रही है पुत्र। असुर थक रहा है। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। अचानक प्रहार करो और समाप्त कर दो इस युद्ध को। कार्तिकेय की युद्ध कला प्रशंसनीय है, किंतु अब भी इसकी बड़ी परीक्षा शेष है। जब स्वयं तारकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आएगा। जाकर युद्ध करो और प्रतिशोध लो अपने भाई की मृत्यु का। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। जिस तरह से मेरे भाई का शीश कटकर भूमि पर गिरा है, उसी तरह से उस शिव पुत्र का शीश कटकर मैं लाऊंगा। नहीं बोल, नहीं, शिव पुत्र से युद्ध मत करो। कहीं ऐसा ना हो पार्वती के स्थान पर मेरी कोख सुनी हो जाए। प्रोत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित मत करिए माँ। हटो मेरे मार्ग से। स्वामी, ये आपका उत्तराधिकारी है। स्वामी, आप इसके प्राणों को संकट में कैसे डाल सकते हैं? जब उसके और मेरे प्राणों में से किसी के प्राणों पर संकट आना ही है, उसके प्राण क्या बुरे हैं? तुम्हें तो अनेक पुत्र मिल जाएंगे, पर पति परमेश्वर तो बस एक ही होता है ना। मुझे देवराज और अन्य देवताओं को असुरों के मायाजाल से शीघ्र ही मुक्त करना होगा। अब हम क्या करें सेनापति? सेना के बिना तारकासुर से युद्ध कैसे करेंगे हम? हमें भाग जाना चाहिए सेनापति। प्राण बचेंगे तो हम भविष्य में अवश्य युद्ध कर पाएंगे। हम सेनापति हूँ मैं। अपनी सेना को शत्रु की बाद में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है। सब कुछ उन्हीं का रचा हुआ है। अब वही हमारी सहायता करेगी। देखा कितना भयभीत है ये। प्रार्थना कर रहा है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, पर ऐसा नहीं होगा। ना ही इसके पिता मेरा वध कर सकते हैं, ना ही माँ। तो फिर इस पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जो मुझसे इसकी रक्षा कर पाए? स्वामी का इस प्रकार अहंकार उचित नहीं है। अंततः है तो वो देवी पार्वती और महादेव का पुत्र। न जाने कितनी असीम शक्तियों का स्वामी होगा वो। माँ, मुझे कोई आभास तक नहीं है।
कि मैं असुरों के इस महाभीषण मायाजाल को कैसे तोड़ूं, कैसे रक्षा करूं मेरे सेना की। किसी भी मायाजाल की आत्मा क्या होती है पुत्र, जानते हो? कल्पना की शक्ति। कल्पना से ही माया मूर्त रूप लेती है और उसी से दृढ़ होती है। अपने भीतर के ज्ञान का प्रयोग करो कार्तिकेय, फिर संसार के किसी भी माया को भेदने में सफल होगे। मुझे इस मायाजाल को तोड़ना ही होगा। कार्तिकेय, आपने असुरों का माया जाल तोड़ दिया, हमें बचा लिया आपने। आपकी जय हो सेनापति की। जय सेनापति की। जय सेनापति की। जय सेनापति की। ये जयकार मेरी नहीं, आपकी है माँ। दूर रहते हुए भी आपने अपने पुत्र की सहायता कर ही दी। एक माँ अपनी संतान से शारीरिक रूप से भले ही दूर, पर इतनी दूर भी कभी नहीं होती कि उसकी हर इच्छा, उसकी हर पीड़ा बिना कहे समझ ना पाए। एक माँ अपने संतान को शिशु अवस्था से ही जान जाती है। जब वो बोल भी नहीं पाता, जब उसे ये भी नहीं पता होता कि वो भूख से रो रहा है या नींद से। संतान भी अच्छी तरह जानती है कि उसे कष्ट हो तो माँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल के उसकी ओर दौड़ती है। इसीलिए संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर कष्ट की घड़ी में उसके मुख से पहला शब्द मां ही फूटता है। कैसे कैसे तोड़ा गया ये माया जाल, कैसे? अब तो आपको विश्वास हो गया स्वामी कि कोई साधारण बालक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, शस्त्रों का गिरना अशुभ संकेत है। मूर्ख स्त्री, अशुभ तो तू है। हमें क्षमा कर दीजिए कुमार, हमने आपकी क्षमता को कम आका। हाँ कुमार, हम जानते थे कि आप तारकासुर का वध करने में सक्षम हैं, फिर भी हमने आपकी योग्यता पे विश्वास नहीं किया, हमें क्षमा कर दीजिए। आपके मन में मेरे हित की भावना ही थी, इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी मैंने जो भी किया है माँ की सहायता से ही किया है। जो भूल मैंने पहले की थी वो अब नहीं करेंगे कुमार, इस युद्ध का नेतृत्व आप कीजिए।
घर उठ भी हो गरुड़ व्यू की रचना करो। मैं व्यर्थ ही आपकी चिंता कर रहा था। आप में तो स्वयं महादेव और माँ आदि शक्ति का अंश है। आप धन्य है सेनापति कार्तिकेय, आप धन्य है। इसे स्वयं शक्ति ने प्रशिक्षण दिया, इतनी वीरता से युद्ध करना तो स्वाभाविक ही है। नष्ट करने के लिए अब और समय नहीं है विदुर बाली, इस बालक पर आक्रमण करो, रोको इसे। वर्षों का प्रशिक्षण तुम्हारे साथ है विदुर मालिक,
जबकि ये बालक पूरी तरह अनुभवहीन है। जो कार्य ताराक्ष नहीं कर पाया अब वो तुम करोगे। शाबाश मेरे पुत्र, अब अवसर का लाभ उठाओ और वध कर दो इस शिव पुत्र का। देवी, केवल गिर जाने से हार नहीं होती, उसे स्वयं ही उठने दीजिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु मुझे इसे पराजित करना ही होगा। पराजय मन में हार मानने से ही होती है पुत्र। यदि तन में क्षमता है और मन में इच्छा है तो विजय की संभावना शेष है। पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा माँ, इससे मैं कैसे युद्ध करूँ? ऐसे सीमा तन की होती परंतु मन असीमित होता है कार्तिकेय। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। मुझे ध्वज की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं अपने शत्रु के पैरों की ध्वनि सुन पा रहा हूं और वो तीव्र गति से तलवार चला रहा है। मुझे ध्वज के पास पहुंचना होगा ताकि मैं उसे अपना शस्त्र बना सकूं। और ध्वज जो अपने शत्रु के विरुद्ध उपयोग कर सकूं। दया कीजिए गौरी शंकर सूत।
मुझे जीवन दान दे दीजिए। व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा तब होती है देवी, जब चुनाव करना कठिन हो। इसे स्वयं निर्णय लेने दीजिए। ये असुर है कुमार, छल करना, असत्य बोलना, ये इसका स्वभाव है। नीति के विरुद्ध निर्णय मत लीजिए देव। देव सेनापति, मैं तो आपका शरणागत हूँ और शरणागत का प्राण बचाना तो आपका धर्म है। दया कीजिए, दया कीजिए। शरण में आए हुए का वध कैसे करूं, पर दुष्ट असुर को तो जीवित भी नहीं छोड़ सकता। कैसी दुविधा है ये। जो शत्रु के पांव में गिर जाए वो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। तारकासुर स्वयं यहाँ आ गया। प्रतीत होता है क्रोध में स्वयं अपने पुत्र का अंत कर देगा। इस कार्तिकेय का अंत करने के लिए यही उत्तम अवसर है। जाती उन्हें दिया जाता है केवल दंड। महादेव, हमारे पुत्र ने युद्ध की मर्यादा तो रख ली, परंतु वो तारकासुर का सामना कैसे करेगा? पुत्र कितना भी क्षमतावान ही क्यों ना, पर मां की ममता सदैव उसकी चिंता करती रहती है। पर हमारे पुत्र में तो आपका अंश है, आदि शक्ति का अंश, और आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करना ही पड़ेगा देव। या
विलक्षण। इतनी कम आयु में इतने बड़े असुर से युद्ध कर रहे हैं राजकुमार कार्तिकेय, और वो भी बिना किसी भय के। और यही नहीं, वायुदेव, तारकासुर जैसे भीषण योद्धा के प्रहारों का उत्तर अपने अस्त्रों से देकर कुमार अपनी योग्यता को सिद्ध कर रहे हैं। नहीं तो किसी और में यह सामर्थ्य कहां कि तारकासुर जैसे योद्धा के सामने इतनी देर टिक पाए। मैंने सुना था असुर शत्रु के सामने घुटने नहीं टेकते। क्या तुम असुर भी ऐसा ही मानते हो क्या तारकासुर? हम असुर मानते हैं कि शत्रु को योग्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। रुक रुक बालक, प्रहार कर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी माँ के चरण कमलों में है। मुझे मारना चाहता है तो जा, पहले उन्हें काट। तारकासुर के प्राण माँ के चरणों में, किंतु ये कैसे संभव है? माँ पर प्रहार करने का मैं विचार भी नहीं कर सकता हूँ, किंतु फिर तारकासुर का अंत कैसे करूँगा मैं? ये राक्षस राज तो बड़े ही बुद्धिमान निकले, कार्तिकेय को ऐसी दुविधा में फंसाया जिसका कोई समाधान ही नहीं है। नहीं, अब देखिए कि कोई भी पुत्र अपनी माँ से क्रोधित हो सकता है, घर छोड़कर जा सकता है, पर अपनी माता के चरण काटना ये तो असंभव ही। इसे बुद्धिमानी नहीं, इसे धूर्तता कहते हैं दीदी। भला धर्म और माँ, इन दोनों के बीच में से किसी एक को कोई कैसे चुन सकता है भला? पर चुनना तो पड़ा ही होगा ना, क्योंकि यदि तारकासुर नहीं हारता तो संसार कैसे बच पाता? परंतु मां, सदैव अच्छे व्यक्तियों को ही ऐसी कठिन परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही भगवान से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उनको अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्थान देने से पहले भगवान के लिए भी अनिवार्य होता कि वह उनकी परीक्षा ले। कार्तिकेय के लिए भी ये चुनाव करना बहुत कठिन था। या तो उसे अपने कर्तव्य को चुनना पड़ता जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, या तो अपने माँ को जो उनके अस्तित्व का आधार थी। इतने छोटे से बालक के लिए इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? परीक्षा जब पहेली बनकर चुभने लगे तो उसका समाधान ढूंढना आवश्यक हो जाता है। वाराणसी के एक सेठ ने अपनी मां के नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस मातृभक्त ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि हे मां, मैंने तुम्हारे नाम को शताब्दियों तक अमर कर दिया, मैंने तुम्हारा ऋण चुका दिया। उसके ये कहते ही मंदिर का एक बड़ा भाग छत के साथ ढह गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मां का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस संसार में बड़ी से बड़ी तपस्या कर भगवान को तो पाया जा सकता है प्रभु, परंतु मां के ऋण से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। कि मां तो वो है जो प्रसव के समय हंसते हंसते मृत्यु के मुंह में जाकर अपनी संतान को जन्म देती है। उसके पालन पोषण के लिए
मां अपना अस्तित्व भी भुला देती है। रात रात भर जागकर अपनी संतान को सुलाती है मां, और उसे खिलाए बिना एक निवाला भी स्वयं नहीं खाती। अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है मां। ऐसी होती है मां। आयु कम है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, किंतु उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। आप ये बतलाइए कि कथा में आगे क्या हुआ, कार्तिकेय ने क्या किया? मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान से अवगत कराऊंगा। अब आप हमारे सेनापति हैं, तो हमें किसी का भी भय नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी मां के चरण चंगलों में। सभी ने कितनी आशाओं से ये उत्तरदायित्व सौंपा था मुझे, अब कैसे निभाओ अपना दायित्व, कैसे रक्षा करो संसार की, कैसे? सारे संसार को असंभव लगता था उसे संभव बना दिया मैंने। जो कल तक अकल्पनीय था उसे यथार्थ में बदल दिया। आज मैंने केवल उस बालक कार्तिकेय पर ही नहीं, अपनी मृत्यु पर भी विजय पा ली है। अपने काल को हरा दिया है मैंने। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? विश्वास नहीं हो रहा, कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। कल ना ये देवता यहां दिखाई देंगे और ना ही कार्तिकेय। वो कितना भी वीर क्यों ना हो, पर अपनी मां के चरण कमल काटने की शक्ति उस पुत्र में नहीं है, किसी पुत्र में नहीं होती। अब बस बहुत हो गया महादेव, मौन रहकर मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। ये असुर युद्ध नहीं कपट कर रहा है, एक पुत्र को अपने माँ के विरुद्ध तलवार उठाने के लिए विवश करने का प्रयास कर रहा है। जानता ही नहीं कि ये अनर्थ कभी नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ हो गया है माँ। क्या कहना चाहते हो पुत्र, तुम्हारा अर्थ क्या है? आप दोनों ने ही मुझे सिखाया कि मेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना, क्योंकि मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वही मेरा लक्ष्य, वही मेरी नियति। इसलिए आज अपने धर्म का पालन करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। क्षमा कर दीजिए माँ,
मैं विवश हूँ। ये कितने गंभीर मानसिक संताप से जूझ रहा है, इसका आभास मुझे है महादेव। इसकी पीड़ा मैं अपने हृदय में अनुभव कर पा रही हूं। जानती हैं देवी, इससे क्या सिद्ध होता है? इसे अतः प्रेम है आपसे भी और इस संसार से भी, जिसे आपने ही रचा है। तभी तो संसार के हित के लिए यह आपका हित नहीं कर सकता, पर आपका हित ना करके इस संसार को अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश भी नहीं कर पा रहा। इस अंतर्द्वंद की पीड़ा हमारे पुत्र को अवश्य सहनी पड़ रही है पार्वती, पर हमें स्मरण रखना होगा कि स्वर्ण अग्नि के ताप को सहकर ही कुंदन बन पाता है। आप स्वयं को दोष मत दीजिए कुमार, ऐसी परिस्थिति में हम देवता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें और कैसे। तो फिर आप तो बालक हैं कुमार, आपका तो भयभीत या भ्रमित होना तो स्वाभाविक है। पर ये विकल्प मेरे लिए नहीं है देवराज। एक और ये धरती है, सारा संसार है, जिसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसलिए तो जन्म हुआ है मेरा। और दूसरी ओर वो माँ है जिनके कारण मेरा अस्तित्व संभव हुआ है। दोनों में से किसी एक का चुनाव करना संभव नहीं है। अवश्य ही कोई और उपाय होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस असुर ने मेरी माँ के चरणों में अपने प्राण रखे हो और माँ को पता तक ना चला हो? ये तो मुझे भी विचित्र लग रहा है कुमार। क्या ये संभव है कि ये असुरों की कोई नई चाल हो? अवश्य ही वो असत्य बोलकर हम सबको भ्रमित कर रहा है। या तो फिर ये भी तो संभव है कि उसने कहा तो सत्य ही हो, पर उसके सत्य का अर्थ कुछ और हो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालक, क्योंकि मेरे प्राण तेरी माँ के चरण कमलों में। उसने कहा था कि उसने अपने प्राण मेरी माँ के चरण कमलों में रखे। चरण कमलों का कोई और भी अर्थ हो सकता है क्या? ये तो अब हमें तारकासुर ही बताएगा। पर तारकासुर स्वयं अपने रहस्य को उजागर क्यों करेगा कुमार? करेगा देवराज। हम उचित कुंजी लगाएंगे तो अपने रहस्य का ताला अवश्य खुलेगा, पर उसके लिए जैसा मैं कहूं आपको वही करना होगा। ऐसी क्या योजना बनाने जा रहा है ये? इसने देवराज से क्या कहा होगा प्रभु? कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं करने जा रहा जिससे ये फिर से किसी संकट में पड़ जाए? अभी तक हमारे पुत्र ने केवल शक्ति और भक्ति का ही परिचय दिया है, पर अब समय आ गया है इसे बुद्धि की परीक्षा भी देनी होगी। जिसके पास शक्ति भक्ति और बुद्धि का संगम हो, उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई पराजित नहीं कर सकता देवी। अब मैं शीघ्र ही उस तारकासुर के वध का रहस्य पता लगा के उसके प्राण हर लूंगा।
आप देवी माँ में आस्था रखती हैं, भक्ति की शक्ति पर विश्वास है आपको, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको सावधान कर देना चाहिए। यदि आपने अपने स्वामी को नहीं रोका मारा तो उनकी मृत्यु निश्चित है। असुर राज ने बालक कार्तिकेय की क्षमताओं को कम आंकने की भूल की है। सर्वज्ञाता महादेव शिव शंकर का पुत्र है वो, उन शक्तियों का पुत्र है जो कभी दुर्बल पड़ ही नहीं सकता, इसलिए हो सके तो आप अपने पति को रोकिए, समझाइए, उनकी रक्षा करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा उनके प्राण जिन चरण कमलों में है। वो गौरी शंकर सुत उनका विनाश करके रहेगा। देवराज स्वामी, स्वामी कार्तिकेय को आपके चरण कमलों का रहस्य पता चल चुका है स्वामी, अब क्या होगा? यह तो सुरक्षित है, व्यर्थ में ही मैं चिंतित हो रहा था। तो ये है वो कमल जिसमें बसी है तारकासुर की प्राण शक्ति। अब मुझे ज्ञात हो गया कि तारकासुर के प्राण हरने हैं तो मुझे इस कमल को नष्ट करना होगा। किसी अनिष्ट का संकेत है स्वामी। स्वामी क्या हो रहा है आपको? स्वामी देवी पार्वती के चरण कमल नष्ट होते तारकासुर की कवच शक्ति का अंत हो गया, किंतु फिर आरंभ हुआ वो युद्ध जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को कई वर्षों से थी, कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध। और अब की बार कार्तिकेय के वार से तारकासुर को कोई नहीं बचा सकता था। मेरे साथ छल करके तूने मेरे स्वर्ण कमल को भले ही नष्ट कर दिया हो, पर तू मेरे मनोबल को नष्ट नहीं कर सकता और न ही मेरे भुजबल को। अब भी इतना शक्तिशाली हूं मैं कि तुझ जैसा असंख्य बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानता ही है ना, यज्ञों की आहुति मेरे नाम पर होती है। भय से दी गई आहुति आस्था के छोटे से दीपक का भी सामना नहीं कर सकती तारकासुर। आज तुम्हारा अंत होगा और वो अंत करूंगा मैं। धर्म और अधर्म के युद्ध में सभी दिव्य शक्तियों को धर्म का साथ तो देना ही था।
और भगवान भी अपने आप को इस संघर्ष से जुड़ने से रोक नहीं पाए। तभी नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, शक्ति अपने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ वहां पहुंच गए। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिकेय में उन सब की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अंत में वहां दुर्गा मां प्रकट हुई। उन सब की असीमित बल से प्रेरित होकर वो गौरी शंकर सुर काल बनकर तारका सुर पर टूट पड़े। दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गम मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ज्ञान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री, दुर्गमा योद्धारिणी, देवराज, क्या हमारा स्वप्न सत्य में सच हुआ? क्या तारकासुर सच में मारा गया? शिव पुत्र कार्तिकेय की। और इस प्रकार स्कंद माता के आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे महादुष्ट राक्षस का अंत किया और संसार की रक्षा। उसके बाद देवी पार्वती ने गणेश को जन्म दिया। नवरात्रि के पांचवें दिन हम इन्हीं देवी की पूजा करते हैं। आइए आरती करके हम स्कंद माता की पूजा संपन्न करते हैं। समय तक पूजा करेंगे ये सब? कथा तक तो फिर भी ठीक था, पर अब तो कार्तिकेय के छोटे भैया के वाहन मूसक देव हमारे उदर में अशांति फैला रहे हैं। अब तो अति ही हो गई। इनकी पूजा का कार्यक्रम तो न जाने कब तक चले। हम जाकर पेट पूजा करते हैं। माता है माँ, तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही
चंद की माता आप सबकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। गरुड़, तुम अपनी मां की इच्छा अवश्य पूरी करोगे। भविष्य में जब भी एक आदर्श पुत्र का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाएगा। आप सबकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होंगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।